हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल इंडियन माइथोलॉजी पे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गणेश जी की सवारी मूषक कैसे बनी, कैसे मिला गणेश जी को मूषक वाहन। तो आइए जानते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत ही भयंकर असुरों का राजा था जिसका नाम गजमुख था। वो बहुत ही शक्तिशाली बनना चाहता था और साथ ही सभी देवी देवताओं को अपने वश में करना चाहता था। इसीलिए वो हमेशा भगवान शिव से वरदान के लिए तपस्या करता था। शिव जी से वरदान पाने के लिए वो अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा और शिव जी से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना पानी पिए और बिना भोजन खाए वो रात दिन तपस्या करने लगा। कुछ साल बीत गए, शिव जी उसके अपार तप से बहुत ही प्रभावित हुए और शिव जी उसके सामने प्रकट हुए। महादेव ने खुश होकर उसे दैविक शक्तियां प्रदान की जिससे वो बहुत शक्तिशाली बन गया। सबसे बड़ी ताकत जो शिवजी ने उसे प्रदान की वो ये थी कि उसे किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। असुर गजमुख को अपनी शक्तियों पर गर्व हो गया और वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा और देवी देवताओं पर आक्रमण करने लगा। मात्र ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और गणेश जी उसके आतंक से बचे हुए थे। गजमुख चाहता था कि हर कोई देवता उसकी पूजा करे। सभी देवता विष्णु, शिव और ब्रह्मा की शरण में पहुंचे और अपनी जीवन की रक्षा के लिए गुहार लगाने लगे। यह देखकर महादेव ने गणेश जी को गजमुख को ये सब रोकने के लिए भेजा। गणेश जी ने गजमुख के साथ युद्ध किया और असुर गजमुख बुरी तरह से घायल कर दिया, लेकिन तब भी वो नहीं माना। उस राक्षस ने स्वयं को एक मूषक के रूप में बदल लिया और गणेश जी की ओर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। जैसे ही वो गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी कूदकर उसके ऊपर बैठ गए और गणेश जी ने गजमुख को जीवन भर के लिए मूषक में बदल दिया और अपने वाहन के रूप में जीवन भर के लिए रख लिया। बाद में गजमुख को भी इस रूप से खुशी हुई और वो गणेश जी का प्रिय मित्र भी बन गया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये जानकारी, मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें।